बैक और अब वक्त हुआ चाहता है कि हम बात करें टेलीनॉर टॉक शॉक आईचैम के बारे में। टेलीनॉर टॉक शॉक आईचैम क्या है इसके बारे में तो अब सबको पता चल चुका है, कब से हम बात करते हैं और एक एक बच्चा बल्कि जब मुझे मिलता है कहते हैं टेलीनॉर टॉक शॉक आईचैम के बारे में आप बता रही होती हैं, हम इतना इंटरेस्ट लेके सुन रहे होते हैं और हमारा दिल करता है कि बस काश हम भी उसमें सिलेक्ट हो जाएं। इवन बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके बात कर रहे होते हैं, मैंने कहा हमारा भी यही हाल होता है, जब मैं बात कर रही होती तो मैं सोचती हूँ काश मैं बच्ची होती और टेलीनॉर टॉक शॉक आईचैम की इस जो काविश है इसकी जो ये इनिशिएटिव है इसमें मैं भी हिस्सा ले सकती। अच्छा कितनी अच्छी बात है कि इतने अच्छा काम, इतना अच्छा काम लाइक के सेमी और अर्बन एरियाज़ जो है, रूरल एरियाज़ जो है वहाँ पे इन्होंने अपनी वर्कशॉप्स लगाई, वहाँ के स्कूल्स में जाके बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों को वहाँ पे बताया कि आईटी से रिलेटेड आप अपने कितने काम कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स पूरे कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज बहुत जल्दी गेन कर सकते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप फौरन उसको पिक कर सकते हैं उससे, क्योंकि अपडेट इन्फॉर्मेशन बच्चों में होना वो बहुत ज़रूरी है। अपडेटेड आप जब होते हैं, आपके पास नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो फिर आप अपने कामों को बहुत ज़्यादा आसान कर लेते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जो चीज़ आप लाइफ में करने जा रहे होते हैं। नो मैटर वो होमवर्क हो, नो मैटर वो जो आप रास्ता भूल जाते हैं ना, ऐसे रास्ता भूल जाते हैं तो फौरन आप गूगल पर सर्च करते हैं और उसके बाद आप जाके फौरन क्लिक कर देते हैं कि किस एरिया में, किस जगह पे आपको कहाँ पहुँचना है, तो वो आपको बता देता है। तो हर तरीके से आपको जो है इंटरनेट सर्विस बहुत बेस्ट हेल्प करती है। और बात कर रही हूँ मैं मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज की, तो मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज का कैसे पॉजिटिव यूज़ है, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को आप किस तरह से पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी आम जिंदगी में भी और ऑल्सो अपने असाइनमेंट्स के लिए भी, तो ये टेलीनॉर टॉक शॉक की काविश मुझे बहुत अच्छी लगी। और ख़ास अभी एक पैकेज मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे इस पूरी पैकेज को देखने के बाद मैं आपको बताऊंगी, तो पूरे पाकिस्तान से 6 बच्चे सिलेक्ट होंगे, वो जाएंगे ओपरा लैब्स यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए और वो 6 बच्चे यहाँ आकर बाकी बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, तो हमारा मुल्क तो तरक्की करेगा ही। तो वक्त हुआ चाहता है कि जल्दी से आपको पैकेज दिखाऊँ, तो टेक अ लुक एट द पैकेज। इंटरनेट से तालीम हासिल करके मैं अहद करता हूं इल्म और टेक्नोलॉजी हसूल की जस्तजू बरकरार रखूंगा, हसूल की जस्तजू। टॉक शॉक इंटरनेट आईचैम कंपटीशन जो है यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और मैं लाहौर से काफ़ी दूर ड्राइव करके यहाँ पर पहुँची हूँ। टॉक शॉक इंटरनेट आईचैम कंपटीशन से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जो फाइनल होंगे, जो जीतेंगे वो होंगे कोई 6 टोटल बच्चे पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनको भेजा जाएगा ओपरा लैब्स में पढ़ने के लिए नॉर्वे। तो ये बहुत अच्छी काविश है। अभी हम चल के देखते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे लाइन लगाए खड़े हैं वहाँ पे बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो अभी वहाँ रवा दवा होते हैं। आइए जी।
टॉक शॉक इंटरनेट आई चैम कॉम्पिटिशन के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को, इस कॉम्पिटिशन के लिए एक रूम में 20-20 बच्चों का बैच जो है वो तैयार किया जा रहा है। टोटल 100 बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन से सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनमें से 20-20 बच्चों को टीचर्स जो है IT की ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक पूरी क्लास दे रहे हैं, जिसके बाद वो स्टेज पर जाके अपना कॉम्पिटिशन जो है उसके लिए प्रॉपर एक टेस्ट के लिए तैयार होंगे। तो अभी चलते हैं ज़रा उस रूम में जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेट्स गो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीचर्स जो है अपने बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के बाद यहाँ से बच्चे जाएंगे स्टेज पे, जो कि फिर अपने कंपटीशन के लिए वहाँ पे भरपूर हिस्सा लेंगे। तो चल के पहले टीचर्स से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या बच्चों को ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम। आपका नाम? तैमूर। तैमूर, आप क्या टीच कर रहे हैं अभी बच्चों को? मैं इन बच्चों को अवेयरनेस दे रहा हूँ मोबाइल इंटरनेट की, उसके अंदर इनको गाइड कर रहा हूँ कि इन्होंने कैसे मोबाइल इंटरनेट यूज़ करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है, अपने इंफॉर्मेशन एजुकेशन को कैसे इन्होंने इजाफा करना है उसके अंदर। साथ इनको बताया जाता है कि गूगल और विकीपीडिया के बारे में, वो हमारे सर्च इंजन है, कैसे उन लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन के अंदर कैसे मदद ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट के आंसर कैसे निकाल सकते हैं वो। अच्छा, वैसे बच्चों को इस तरह से ये जो रिसर्च करने में बहुत ईजी हो जाता होगा मोबाइल इंटरनेट सर्विस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके? जी, अभी तक तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत आजकल के माशाल्लाह बहुत चेस जनरेशन जो उनसे तेज है, बिल्कुल बहुत जल्दी गेट कर लेते हैं वो इस चीज़ को। विद इन 15 मिनट्स हम लोग खुद ही रान हो जाते हैं कि बच्चे 15 मिनट्स के अंदर सारा कुछ सेटअप ओके कर लेते हैं और हमें आंसर खुद निकाल कर दे देते हैं। तो अभी तक तो इज गोइंग वेरी गुड। आपके साथ अभी कौन से स्कूल के बच्चे हैं जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव बॉयज स्कूल है इधर गुजरांवाला का। अच्छा जी। और भी स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया हुआ है या सिर्फ अभी? आज यहाँ पे टोटल 5 स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और टोटल यहाँ पे आज हमने 100 बच्चों को ट्रेनिंग दी है। 100 बच्चों को ट्रेनिंग दी है। इस वक्त क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20-20 करके बैच हम लोग कहते हैं, ताकि बच्चों को आराम से समझ आ सके इस चीज़ की। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन के बाद सीधा उनको जो है ये ब्लैक टी शर्ट दे दी जाती है? यहाँ ट्रेनिंग रूम पे लाया जाता है उनको, यहाँ पे उनको कैप्स और ब्लैक टी शर्ट दी जाती हैं, फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा ब्रीफिंग दी जाती है, फिर इनको सेलफोन्स दिए जाते हैं, सेलफोन देने के बाद फिर इनको एक हमारी LCD लगी हुई है, इस पर हम लोग इनको स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप सिखाते हैं कि किस तरह इन्होंने कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेके अपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर ये प्रिपेयर होकर फिर ये बैच उधर चला जाता है, वहाँ से जाके इनको कॉम्पिटिशन में जाके इनको LCD लगी होती है, वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन एंटर करते हैं, आंसर देते हैं, हमारा होस्ट उनके पास जाता है तो आंसर निकाल के तो ये लोग उससे विन करते हैं। राइट, इस टाइम थैंक यू सो मच। अच्छा, जरा बच्चों से भी बात करना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वसीम हसन। वसीम, वसीम किस स्कूल से? कामरिया हाई स्कूल। अच्छा, मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है इसमें कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेके, अगर आप जीत गए ओपरा लैब्स जाएंगे? यस। आप देख रहे थे यहाँ पे बच्चों में इतना ज़्यादा जोश और वलवला था, इतने पैशनेट हुए हुए थे कॉम्पिटिशन में, यहाँ पे हिस्सा लिया, मगर अभी विनर हैं। इनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी बच्चे, क्या आपका पूरा नाम बताइए? बिलाल रशीद। बिलाल रशीद किस स्कूल से? जामिया कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल से। सोचा था अभी इस तरह से सिलेक्ट हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन में जीतेंगे? जी नहीं। मुश्किल था? जी थोड़ा बहुत। मुश्किल क्या था, सिलेक्शन में आना या फिर कंपटीशन में हिस्सा लेके फिर उसका टेस्ट पास करना? टेस्ट पास करना मुश्किल था। बहुत गर्मी में इतनी मेहनत से आपने एक पैशनेट हुए हुए थे कि मैंने हिस्सा लेना है फिर जीतना है, और सारा कुछ रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, अच्छा लग रहा? जी बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू सबका। थैंक यू सबका। और टॉक शॉक इंटरनेट IHM कॉम्पिटिशन का? जी बिल्कुल।
ओके, ही इज अ शाई बॉय बट ही इज अ विनर एंड ही इज अ रनर अप. सो हमारी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक इन दोनों बच्चों को. अब देखते हैं कि कौन कौन बच्चा जो है वो जाता है ओपरा लैब्स नॉर्वे.